अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अली असगर, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गामा वर्चुअल एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 टेंथ मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस ऑर्डर पेयर इक्वल टू दिस ऑर्डर पेयर। ओके, ये दोनों ऑर्डर पेयर हैं, एक ये ऑर्डर पेयर है, एक ये ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर में पोजिशंस, करस्पॉन्डिंग पोजिशंस इक्वल होती हैं अगर ऑर्डर पेयर इक्वल है। अगर ये ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ये फर्स्ट पोजिशन इस फर्स्ट पोजिशन के इक्वल होगी, सेकेंड पोजिशन सेकेंड पोजिशन के इक्वल होगी। सॉल्यूशन, सो सी सॉल्यूशन नाउ, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू 11। यहाँ एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ये पोजीशन इसके बराबर है, ये पोजीशन इसके बराबर है। सो टेन इक्वल टू, यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई माइनस सेवन इक्वल टू 10, सेम है। तो पहले हम एक्स सॉल्व करेंगे, एक्स यहाँ नेगेटिव वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों तरफ, माइनस फाइव इक्वल टू 11, प्लस फाइव इस साइड भी करेंगे, प्लस फाइव इस साइड भी करेंगे। क्यों? कि जैसे ये फाइव ख़त्म हो जाए। ओके, अगर आपको लीनियर इक्वेशन या बेसिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है तो इस लिंक से, ये मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, इस लिंक से आप ये वीडियो देख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड किया जाए। ओके, ये कैंसिल, एक्स इक्वल टू 16। ओके, 15 प्लस 11 16 एक्स का वैल्यू हुआ। और यहाँ भी वैल्यू ऐसे ही फाइंड करेंगे, ये 7 नेगेटिव है, दोनों तरफ ऐड करेंगे 7, प्लस 7 इस तरफ भी, y माइनस प्लस 7 इस तरफ भी। प्लस 7 इसलिए किया, ये 7 7 में जैसे ख़त्म हो जाए, 7 7 में ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ हो गया 17 इक्वल टू y की वैल्यू जो मिली हमें वो 17 मिली, और x की वैल्यू हमें 16 मिली। सिमिलरली इस प्रॉब्लम में भी ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्यूशन 5x प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे 3x प्लस 10, एंड दिस साइड पे इस पे इन दिस वन, इसकी करस्पॉन्डिंग ये साइड है, ये वैल्यू है 5y माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस 2, 5y माइनस 4 इक्वल टू 2y प्लस 2। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक से इस साइड भी एक से, ये 3x हम इधर लेके जाएंगे क्योंकि ये x के साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, और ऐड जो है वो हम राइट साइड पे ले जाएंगे, 10 से वो सब्ट्रैक्ट होगा। 5x यहाँ प्लस है 3x, तो लेफ्ट साइड पे माइनस हो जाएगी, चेंज साइन होती है अगर साइड चेंज करेंगे तो। यहाँ 8 प्लस है तो राइट साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, 10 माइनस 8, तो हमें क्या मिला यहाँ 2x इक्वल टू 2, 2x इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू अब क्या होगा, 2 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x इक्वल टू 1 होगा। ओके, 2 यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, 2 में कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो आंसर 1 आएगा। सिमिलरली ये साइड सॉल्व करें, 2y इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, 5y माइनस 2y, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव होगा, 2 प्लस 4, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है 4, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगा, 3y इक्वल टू 6, 3 दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो यहाँ होगा y और यहाँ होगा 2, ये आंसर है। ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, यहाँ लिखना है मगर मैंने यहाँ लिख दिया, इसे यहाँ लिखना है, ठीक है, आप यहाँ नहीं लिखें, ठीक है, ओके। सिमिलरली नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। नाउ यहाँ 2 वेरिएबल्स हैं, सॉल्यूशन 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, ये सिमिलेटेनियस इक्वेशन है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 3।
और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमें ये इक्वेशन है, दोनों में एक्स और वाई है, तो इसलिए एक दूसरे के नीचे लिख के सिमिलेटेनियसली सॉल्व करेंगे, ये सिमिलेटेनियस इक्वेशन है। ओके, 5x + y = 16, यहाँ भी हमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, मगर आप टेक्निकल तरीके से सॉल्व करेंगे। सपोज करें ये इक्वेशन वन है और ये इक्वेशन टू है, अब क्या करेंगे कि दोनों सा एक जैसे कोफिशंट्स बनाए, यहाँ -3 है और यहाँ 1 है, कोफिशंट अगर एक जैसे बन गए तो उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी एक वेरिएबल बचेगा वो फाइंड करना आसान है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारी इक्वेशन को वैसे ही वो बैलेंस रहेगी, 3 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन से ऐड करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन टू बाय 3, ओके, एंड एड विथ एंड एड विथ इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से ऐड करें, राइट, 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन वन से ऐड करें, -3y, 2x - 3y = 3, इक्वेशन वन। इक्वेशन टू को अब 3 से सारी को मल्टीप्लाई करें, 5x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x, y को 3 से मल्टीप्लाई करो +3y, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48, अब ऐड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, ये ख़त्म, -3y + 3y कैंसिल, 0 हो गया, ये हो गया 17x = 48 + 3 51। तो अब x का वैल्यू इजी है फाइंड करना, यानी 17 इस तरफ भी डिवाइड करेंगे इस तरफ भी, तो x का वैल्यू होगा 3, x हमें 3 मिला क्योंकि हमने 17 दोनों तरफ डिवाइड किया। ओके, कैसे, इस तरह 17x से डिवाइड बाय 17 और 51 / 17, तो x का वैल्यू क्या होगा, 17 17 में ख़त्म, x = 3, राइट, ये हमें वैल्यू मिला। अब हम पुट करेंगे ये वैल्यू किस में, इक्वेशन वन में, इक्वेशन वन में पुट करो, इक्वेशन टू में पुट करो, हम इक्वेशन टू में पुट करें क्योंकि ये आसान है, ये पुट करेंगे ये इस तरफ होगा, पुटिंग इन इक्वेशन, पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 3 5 3 + y 5 into 3 + y = 16, तो ये हो गया 15 + y = 16, 15 इस तरफ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव होगा, y = 16 - 15, y = 1, ये आंसर आ गया, y का 1 है और x का 3 है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट पी हैज 10 एलिमेंट्स एंड क्यू हैज 15 एलिमेंट्स, पी हैज 10 एलिमेंट्स, क्यू हैज 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी क्रॉस क्यू, क्यू क्रॉस पी, पी क्रॉस पी इंटू पी। ओके, इनके मेंबर्स फाइंड करें, क्यू के मेंबर्स हैं 10, 10 को 15, इसके मेंबर्स हैं 15, तो टोटल मेंबर्स जो हो जाएंगे पी क्रॉस क्यू के वो बराबर होंगे मेंबर्स पी के इंटू मेंबर्स क्यू के, राइट, तो ये मेंबर्स हो जाएंगे 10 into 15, 150, ओके, एंड सेकंड वन इज क्यू इंटू पी। ओके, सेकंड वन इज क्यू इंटू पी, क्यू इंटू
पी राइट। क्यू क्यू के मेंबर्स कितने हैं, क्यू के मेंबर्स हैं 15 इंटू पी के मेंबर्स, पी के मेंबर्स कितने हैं 10, तो ये भी हो गया 150। हो गया थर्ड वन पी इंटू पी इक्वल एन पी के मेंबर्स इंटू एन क्यू के मेंबर्स, टोटल मेंबर्स हो जाएंगे 10 इंटू 10 100 मेंबर्स। ओके ये वही हो गया, ये भी तीनों सॉल्व कर दिए हमने राइट। ओके नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ ए ए इक्वल टू 1 2, बी इज इक्वल टू 2 3 एंड सी इक्वल टू 1 3 5। ओके देन फाइंड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, थर्ड ए क्रॉस बी यूनियन सी यानी यूनियन करके फिर क्रॉस करना है, फोर्थ बी इंटू ए यूनियन सी यानी ए यूनियन सी करके फिर बी से क्रॉस करना है, फिफ्थ वन ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सी दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नाउ लेट्स सॉल्व। ओके ओके सो नाउ लेट्स सॉल्व ए क्रॉस बी। इक्वल टू मेंबर्स ऑफ ए, पहले हम मेंबर्स ए के लिखेंगे, ए के मेंबर्स कौन से हैं 1 2। ओके इंटू बी के मेंबर्स लिखेंगे, बी के मेंबर्स कौन से हैं 2 3। सो हमें आंसर कौन सा मिला, ए क्रॉस बी यानी ऑर्डर पेयर, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ हमें ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, कैसे ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे, यहाँ वन वन से भी, टू से भी और थ्री से भी पेयर करेगा। ओके 1 2 1 3, सिमिलरली 2 भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ऐसे ही 2 2 2 का 2 से पेयर, 2 का 3 से पेयर 2 3। ओके यानी 4 ऑर्डर पेयर्स हो गए, ये हो गया आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 2 नाउ 2 सेज दैट बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इक्वल टू मेंबर्स ऑफ बी, बी के मेंबर्स 2 3 हैं इंटू सी के मेंबर्स, सी के मेंबर्स हैं 1 3 5 1 3 5। सो हमें क्या आंसर मिलेगा, आप बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इक्वल टू 2 1 2 3 2 5। ओके 2 से हमने सबको मल्टीप्लाई किया, इनको पेयरिंग की, अब 3 से 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 5। ओके बी क्रॉस सी, अब हम सॉल्व करेंगे ए क्रॉस बी यूनियन सी, पहले यूनियन फाइंड करेंगे फिर ए से क्रॉस करेंगे, थर्ड वन ए क्रॉस बी यूनियन सी। ओके ए के मेंबर्स कौन से हैं, ए के मेंबर्स हैं 1 2 1 2 क्रॉस, क्रॉस हम करेंगे ये पहले बी यूनियन सी करें, बी के मेंबर्स हैं 2 3 क्रॉस, सी के मेंबर्स हैं 1 3 सॉरी यूनियन बी, यूनियन बी यूनियन सी 1 3 5। ओके सो यहाँ हमें रिजल्ट मिलेगी 1 2 दोनों की यूनियन 1 2 3 5 1 ओके एंड 2
फाइव यानी सब मेंबर लिखेंगे। अब दोनों की क्रॉस करनी है प्रोडक्ट, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगी? राइट, हमें रिजल्ट मिलेगी वन वन वन, वन टू वन वन, वन टू वन थ्री वन फाइव, वन थ्री वन फाइव। सिमिलरली अब टू से भी ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन टू टू, टू थ्री टू फाइव। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर। फोर बी क्रॉस ए यूनियन सी। सिमिलरली ऐसे ही आपको दिए करना सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर। सॉल्व योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। फोर्थ, डू योर सेल्फ। ओके, नाउ लेट्स फाइंड फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, पहले हम क्या करेंगे? ओके, सो इसके मेंबर्स लिखेंगे ए के। ए के मेंबर्स हैं वन टू। ओके, इंटरसेक्शन बी के मेंबर्स हैं टू थ्री। ओके, ए के मेंबर्स हैं वन टू, बी के मेंबर्स हैं टू थ्री, सी के मेंबर्स हैं वन थ्री फाइव। ये इंटरसेक्शन बी हमने लिखा क्रॉस। अब हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के मेंबर वन थ्री फाइव। ओके, सो व्हाट वी गेट हियर? हमें इंटरसेक्शन सिर्फ और सिर्फ टू मिलेगी, क्योंकि दोनों में टू कॉमन है। ओके, क्रॉस यहाँ इंटरसेक्शन हमें सिर्फ और सिर्फ थ्री मिलेगी। अब इनकी कार्टिशन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? टू थ्री, ये आंसर हो गया। ओके ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर फोर। इफ ए इक्वल टू फाइव सिक्स एंड बी इक्वल टू वन टू थ्री, देन फाइंड थ्री रिलेशंस इन ए बी। ए बी में कौन सी, कोई भी तीन रिलेशंस फाइंड करें। फोर रिलेशंस, कोई भी फोर रिलेशंस बी बी क्रॉस ए में फाइंड करें। थर्ड, फाइव रिलेशंस कोई भी बी इंटू बी में फाइंड करें, बी में। और रिलेशंस ए में फाइंड करें। सॉल्यूशन, नाउ लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्रॉस बी ये मेंबर्स हैं। ओके, कोई भी थ्री रिलेशंस, कोई भी थ्री रिलेशंस हम फाइंड कर सकते हैं। पहले हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लिखें। ओके, फाइव ए वन, फाइव ए फाइव वन, फाइव टू, फाइव फाइव थ्री। ओके, सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री। ये सब हो गए कार्टिशन प्रोडक्ट। अब इनका जो सबसेट बनेगा उसको हम कहते हैं रिलेशन। अब इसकी थ्री रिलेशन कोई भी हम लिख सकते हैं, चाहे एक उसमें ऑर्डर पेयर हो, चाहे टू ऑर्डर पेयर हो, चाहे थ्री, चाहे फोर ऑर्डर पेयर हो, कोई भी लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इसकी कोई भी, वो आंसर से मैचिंग होना ज़रूरी नहीं है। ये रिलेशन वन फाइव वन। ओके, रिलेशन टू सिक्स वन, सिक्स टू। ओके, रिलेशन थ्री, रिलेशन थ्री में हम सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहे हैं फाइव टू। ओके, कोई मसला नहीं है, आप कितने भी एलिमेंट कहीं से भी उठाएं और रिलेशन बनाएं। राइट, ये हो गए तीन रिलेशन ए क्रॉस बी में। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, इन सेकंड क्वेश्चन बी क्रॉस ए। पहले हम लिखेंगे बी क्रॉस ए, बी के मेंबर्स वन थ्री फाइव,
1, 2, 3, okay, into a के मेंबर्स हैं 5, 6, ओके. सो नाउ लेट्स मल्टीप्लाई दीज. ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करें. तो इनमें ऑर्डर पेयर जो बनेंगे 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6, ये ऑर्डर पेयर. अब इनके सबसेट बनाएं कितने, फोर रिलेशन कोई भी यहाँ से उठाएं, राइट रिलेशंस. R1 सपोज हमने लिखा 1, 5, ओके. R2 सपोज हमने लिखा 1, 5 एंड 2, 6. कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठाएं आप अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं ये आप लिखें, कोई भी चार रिलेशन आप यहाँ से बुक से, मगर इन इन में मौजूद हों वो एलिमेंट सारे, ठीक है. 3, 5, R4 में हम यहाँ से 2, 5 एंड 2, 6, राइट. एंड फाइव रिलेशन इसमें बी इंटू बी में उठाने हैं हमें, राइट. यानी बी क्रॉस बी करके फिर फाइव रिलेशंस उठाने. थर्ड बी क्रॉस बी, ओके. बी क्रॉस बी यानी बी के एलिमेंट है 1, 2, 3 इंटू 1, 2, 3, ठीक है. सो रिलेशंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ओके. प्लीज पे अटेंशन, इज देयर क्लियर? ओके. सो नाउ 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3 एंड नाउ 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, ओके. 3, 1, 3, 2, 3, 3, ओके. ये सारे ऑर्डर पेयर हो गए. 3 × 3, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऑर्डर पेयर हो गए. अब इनकी रिलेशंस कितनी लिखनी है, फाइव रिलेशन लिखनी है, कोई भी फाइव रिलेशंस, ओके. R1 इक्वल टू 1, 1. R2 इक्वल टू 2, 2. और 3, R3 इक्वल टू 3, 3. R4 इक्वल टू 1, 3. R5 इक्वल टू, कोई भी फाइव रिलेशन आप उठाएं, चाहे एक ऑर्डर पेयर का हो, टू ऑर्डर पेयर्स की हो, थ्री ऑर्डर पेयर की, कोई भी उठा सकते हैं. 3, 2, ओके. मैं रिलेशंस एक एलिमेंट या टू की इसलिए कि जगह कम लगे, इसलिए मैं ये उठा रहा हूँ. आप कोई भी दो ऑर्डर पेयर की, तीन ऑर्डर पेयर की रिलेशंस उठा सकते हैं, ओके. ये हमने कर लिया. ये अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ, ओके. ये आप फोर्थ खुद करें. नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4. फॉर टू सेट्स ए एंड बी, इफ एलिमेंट्स इन ए आर 3, एलिमेंट्स इन बी आर 4, ठीक है. तो यहाँ रिलेशंस कितने बनेंगे, टोटल रिलेशंस, आर रिलेशन ए क्रॉस बी में टोटल रिलेशन बनेंगे 3 × 4, ओके. ओ ए बी, इसमें जो रिलेशन बनेंगे वो होंगे, ये टोटल ऑर्डर पेयर्स होंगे 3 × 4, 12 होंगे. 12 अगर ऑर्डर पेयर्स हैं, ठीक है, यहाँ कार्टेशियन के एलिमेंट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के, तो फार्मूला क्या है, 2 power n है टोटल सबसेट्स का.
रिलेशंस भी सारे जो हैं वो सब सेट्स हैं कार्टिशन प्रोडक्ट के। 2 पावर 12 ये आंसर है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग ए बाइनरी रिलेशंस ऑफ ए क्रॉस बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यानी इस फॉर्म में लिखने हैं, वेयर ए के ये मेंबर हैं, बी के मेंबर्स हैं, सच दैट ए का ताल्लुक ए से है, बी का ताल्लुक बी से है, राइट। अब वो एलिमेंट लिखें, वो रिलेशन लिखें जहाँ बी का वैल्यू जो है वो 5 से लेस हो, 5 से कम हो, यानी सिर्फ और सिर्फ ये दोनों के, दोनों से रिलेटेड लिखने हैं। ओके सो R1 में जो मेंबर्स होंगे वो होंगे 0, 2, 4, 0, 2, 0, 4, ओके 1, 1, 2, 1, 4, ओके सिमिलरली 2, 2, 2, 2, 4, ओके 5 से लेस उठाना है बी हमें, ओके 2, 2, 2, 4, नाउ 3, 3, 2, 3, 4, ओके ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर R2 में सम 9 होना चाहिए। R2 = sum 9, सम 9 किस में मिलेगा, एक के 8, 1 में और किसी में भी नहीं, 8, 1 और 3, 6 में, ओके 8, 1, 8, ओके क्योंकि B जो है वो इससे ताल्लुक़ हो, B हमेशा यहाँ हो, ठीक है ओके 8, 1 और उसके अलावा 3, 6, यानी B जो है वो हमेशा B से ताल्लुक़ हो, ओके थर्ड वन, थर्ड रिलेशन यानी जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, A से अगर B सबट्रैक्ट करें तो आंसर 1 होना चाहिए, A यहाँ 3 है, 3 से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है ये है। ओके क्वेश्चन 6 भी हमने सॉल्व किया, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7, ओके गो एंड लेट्स सॉल्व। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ रिलेशन और कंसिस्ट ऑफ एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू 2x + 5 इज इन जेड देन फाइंड रेंज इफ डोमेन इज दिस वन। ये रिलेशन, रिलेशन मीन्स ऑर्डर पेयर्स, और ये रिलेशन जो है उसकी ये बराबर है वाई, यानी फंक्शन रिलेशन फंक्शन भी होती है, ये फंक्शन ये रिलेशन है, ये रिलेशन फंक्शन है, फंक्शन बराबर इसी क्वेश्चन के, यानी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगी, या एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई की भी वैल्यू उस हिसाब से मिलेगी। तो ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है, इस फंक्शन में जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और जो रिजल्ट मिलेगी हमें उसको रेंज कहते हैं। ये फंक्शन है, इसमें जो भी ये वैल्यू पुट करेंगे इनको डोमेन कहते हैं, जो रिजल्ट मिलेगी उसको हम रेंज कहते हैं। अगर इसकी हम ये डोमेन है, अगर इस यहाँ पे -2 पुट करें रेंज क्या मिलेगी हमें, रेंज अगर -2 पुट करें तो -2 × -2 − 2 × 2 = 4, 4 + 5 − 4 + 5 हमें 1 आंसर मिलेगा। कैसे, ये देखो 2 यहाँ पे -2 पुट करें +5 दिस इज इक्वल टू 1, ओके राइट एंड -1 पुट करें तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, -2 दैट इज 3, ओके 0 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, ओके इस तरह 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 + 5 हमें 7 मिलेगा वैल्यू, ओके 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 + 5 = 9, ये हो गई रेंज, ओके ये आंसर, यानी रेंज यानी ये वैल्यूज़ हम सारे डोमेन के यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में तो ये आंसर मिलेंगे, इनको रेंज कहेंगे। सेकंड वन, फाइंड डोमेन इफ रेंज इज दिस वन।
डोमेन फाइंड करें, रेंज अगर ये है, ये वाई का वैल्यू गिवन है, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। यानी अगर यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे सपोज 3 3 × 2 6, 6 + 5 11, तो यहाँ मिलेगा 6। डोमेन यानी कौन से वैल्यू हमने पुट किए ये हमें रिजल्ट मिली, कौन से वैल्यू पुट किए ये हमें रिजल्ट मिली। अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 + 3 × 2 6, 6 + 5 11 यानी 3, ओके। फिर अगर हम 4 पुट करेंगे, 4 × 2 8, 8 + 5 13 यानी 4 पुट किया। फिर 5 पुट करेंगे, 10 + 5 15, ओके। 6 पुट करेंगे तो 17, ये डोमेन है, ये रेंज तब होगी जब डोमेन ये होगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ डब्ल्यू होल नंबर, फाइंड डोमेन एंड रेंज। ये अगर डब्ल्यू है यानी 0 1 2 3 एलिमेंट्स से एक्स वाई डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डोमेन और रेंज फाइंड करो। ये फंक्शंस गिवन नहीं, दोनों फंक्शंस रिलेशन में, ओके। सो फर्स्ट वन, अगर हम वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ हमें वाई की वैल्यू 11 होगी। 0 है यो, तो ये 11 हो गई, 0 11। अगर एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 यहाँ 8 होगी, 3 और 8 तब 11 होगा, ओके। अगर 2 पुट करें तो ये 6 हो गया, 3 × 2 6, एक्स की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो ये 6 हो गया, यानी यहाँ ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की वैल्यू है। अगर 3 पुट करेंगे तो 3 3 9, 9 में 2 ऐड करेंगे तब 11 होगा, 3 ये है तो ये 9। अगर 2 पुट करेंगे तो ये हो गया 6, ये 5, ओके। अगर 4 पुट करेंगे तो 12, यानी वो -1 इज डब्ल्यू में नहीं है। सो आंसर क्या हुआ, यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ वैल्यू हो गया 5 8 9 11, ठीक है, तरतीब में लिखेंगे, ओके। एक्स की जो वैल्यू है, एक्स यानी डोमेन, ठीक है, तो यानी एक्स की वैल्यू ये होंगी 0 1 2 3, ओके। डोमेन जो है वो एक्स है और रेंज जो है वो वाई है, ओके। डोमेन की वैल्यू होंगी 0 1 2 3 एंड रेंज की वैल्यू होंगी, रेंज बराबर होगी 5, तरतीब में लिखेंगे 9 5 9 5 8 5 8 9 11, ये वैल्यू होंगी, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व सेकंड वन। सेकंड में क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 6, यानी कौन से वैल्यू पुट करेंगे आंसर, दोनों का डिफरेंस 6 हो, ओके ओके। एक्स की वैल्यूज यानी डोमेन एंड ये है रेंज, ओके। सो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें 6, एक्स की वैल्यू अगर 6 पुट करें तो वाई हमें 0, अगर 5 पुट करें, ठीक है, तो यहाँ हमें 1, सॉरी ये 0। अगर 7 पुट करें, एक्स की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो ये 1 होगा, 8 पुट करेंगे तो 2, 8 - 2 = 6, 9 पुट करेंगे, 9 - 3 6, 10 यहाँ 4। सो डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन बराबर होगा, डोमेन इक्वल टू 6 7 8 9 10, ये कंटिन्यू होगा, ओके। और रेंज क्या होगी, रेंज 0 1 2 3 4, ये भी कंटिन्यू है, रेंज 0 1 2 3, ओके 4, चाहे कितने वैल्यू पुट करें ये इनफाइनाइट है, राइट। दोनों सॉल्व हो गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ दिस फंक्शन, अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी,
is a function given by FA 15 26 37 48 where A एक ये वैल्यू है 1 2 3 4, B जो है वो नेचुरल नंबर से ताल्लुक़ रख रहा है, राइट डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन किसको कहते हैं, जो एलिमेंट्स फर्स्ट हों ए यानी x वाले एलिमेंट या फंक्शन में जो फर्स्ट सेट होता है उसको डोमेन कहते हैं, जिसकी सारी इमेज होनी चाहिए किसमें y में, ये डोमेन है। ए जो है ना फर्स्ट एलिमेंट, ये सारे डोमेन है यानी ए। ओके सॉल्यूशन डोमेन, डोमेन ये है ए, ए यानी ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके एंड कोडोमेन जो है, कोडोमेन, कोडोमेन ये है बी, बी यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 कंटिन्यूस। ओके रेंज जो है, रेंज यानी जो आंसर समय है इसमें इमेजेस जो हैं, रेंज इक्वल टू 5A 6A 7A 8A, ये रेंज है, डोमेन कोडोमेन एंड रेंज। ओके नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 एंड सो ऑन, जो आगे क्वेश्चन है रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। ओके सो नाउ लेट्स गो टू सॉल्व दिस। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11-12 ये फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन जो है मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टूल है, फंक्शन इज़ हाईली यूजफुल इन मैनी फील्ड्स ऑफ मैथमेटिक्स। और फंक्शन की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो मैं नीचे लिंक में फंक्शन रिलेशंस इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस में दूसरे जो हैं वो रख रहा हूँ। और उसके अलावा ये लिंक जो है गिवन, इस लिंक को टिक करके आप फंक्शंस के बारे में ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं और फंक्शन की टाइप्स के बारे में भी थ्योरी। नाउ लेट्स से लर्न क्वेश्चन नंबर 10। इफ ए इक्वल टू 0 1 2 3 4, बी इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड ए वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस आर नॉट। फंक्शंस हैं ये रिलेशन या नहीं हैं, अगर फंक्शंस हैं तो कौन सी टाइप है। फंक्शंस तब होंगे जब डोमेन के सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है, रिपीट भी ना हो, रिपीट भी एलिमेंट्स ना हो फर्स्ट कैटेगरी में, ये डोमेन एलिमेंट हैं फर्स्ट, रिपीट भी ना हो और कोई मिसिंग भी ना हो, यानी किसी का इमेज जो है वो हर किसी को एक जस्ट वन यूनिक इमेज होना चाहिए। ओके जैसे ये फंक्शन नहीं है R1, ये फंक्शन क्यों नहीं है, यहाँ पे 0 का इमेज 2 है, 1 का इमेज 4 है, 2 का इमेज 6 है, मगर 3 का इमेज 8 है, मगर 4 का इमेज कोई भी नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ओके सो क्वेश्चन नंबर 2, 0 का इमेज 10 है, 1 का इमेज 8 है, 2 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 4 है, 2 के दो इमेजेस हैं। ओके 2 हैज 2 इमेजेस, 2 हैज 2 इमेजेस। ओके यहाँ पे 4 को इमेज नहीं है, 4 डजंट हैव एन इमेज, डजंट हैव इमेज, यहाँ 4 को इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं। यहाँ पे 2 को दो इमेजेस हैं, एक तो 6 और दूसरा 4 की तरफ, सो ये भी फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है और ये 0 को 2 0 1 2 3 4 यानी सब एलिमेंट्स को एक इमेज है। ओके और 3 और 4 को 2 इमेजेस हैं, तो इस फंक्शन को हम कहेंगे, ये फंक्शन है मगर इस फंक्शन की टाइप को कहेंगे इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन यानी उस फंक्शन में जैसे देखो ये रिपीटेड है और उसके अलावा रिपीटेड ना हो, डिस्टिंक्ट अगर इंजेक्टिव उसको कहते हैं जो
जिसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट हो, तो उसको इंजेक्टिव कहते हैं, वो हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, ये इनटू फंक्शन है। क्यों इनटू फंक्शन है? सबको इमेजेस हैं, डोमेन के सारे एलिमेंट को इमेजेस हैं, मगर थ्री एंड फोर को टू सेम सेम इमेजेस हैं, सेम सेम वैल्यूज हैं। ओके, रेंज में या कोडोमेन में कह सकते हैं। R4 0 1 2 3 4। ओके, ये भी इनटू है क्योंकि जीरो को टू को और जीरो को वन को टू को थ्री को सबको सेम इमेज है, ये भी इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन की टाइप का लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं, वो इजीली एक्सप्लेन्ड है। ओके, ग्राफ्स के साथ, यानी जैसे फंक्शन के डायग्राम्स बने होते हैं उस तरीके से। R5 0 2 1 4 2 6 3 3 8 4 10, यानी डोमेन भी कोडोमेन जो है उसके सारे इमेजेस हैं, कोडोमेन और रेंज बराबर है। ओके, और इसके भी सब इमेजेस हैं, 0 से 4 तक, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये 1 1 भी है, 1 1 है क्योंकि हर एक को अलग 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 जो है वो इमेज है। और उसके अलावा ऑन टू भी है, ऑन टू यानी इसलिए कि जो रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन वो इक्वल टू कोडोमेन है, रेंज ऑफ फंक्शन इस कोडोमेन के बराबर है। ठीक है, और 1 1 भी है, ऑन टू भी, दोनों है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे बाइजेक्टिव। ये 1 1 भी है प्लस ऑन टू भी है, सो इसको हम बाइजेक्टिव कहेंगे, बाइजेक्टिव, या आप कह सकते हैं 1 1 एंड ऑन टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इफ ए पी पी इक्वल टू ए बी सी, क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड आर इक्वल टू पी क्यू आर एस, देन फाइंड, ये फाइंड करने हैं फंक्शन फ्रॉम इफ पी इंटू फंक्शन। ओके, देन ऑन टू फंक्शन, देन इंजेक्टिव फंक्शन, देन बाइजेक्टिव फंक्शन, ये सब फंक्शंस करने हैं 1। ओके, यहाँ हम डायग्राम बनाएंगे फंक्शंस के। 1 में क्या करना है कि पी इंटू क्यू, पी के मेंबर्स लिखेंगे, पी के कौन से हैं, ए बी सी, ये पी, एंड क्यू के मेंबर्स भी लिखेंगे। क्यू के मेंबर्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड। ज़रूरी नहीं है कि जो इमेजेस किताब में लिखे हैं वो लिखें आप, डायग्राम सही होना चाहिए। इमेजेस ए का एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, बी का भी कोई भी हो सकता है, इमेजेस डिफरेंट भी हो सकते हैं बुक के, ज़रूरी नहीं बुक के हों, मगर डायग्राम जो है वो इंटो होना चाहिए, फंक्शन जो है वो इंटो होना चाहिए। राइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इंटू फंक्शन एक्स वाई को भी सेम है एंड सी को भी सेम है। ठीक है, ये इंटू हुआ। सेकेंड वन ऑन टू फंक्शन, यानी ऑन टू यानी रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन आर ऑन टू पी, ये आर ऑन टू पी, आर के वैल्यूज जो हैं वो हैं मेंबर्स पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी के जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ हैं ए बी सी। ओके, सो नाउ ए पी, और ये इमेजेस हो गए, एंड नाउ दिस वन इज़ टू सी, ये सारे इमेजेस इनके हो गए। थर्ड वन ये हो गया ऑन टू, क्योंकि रेंज जो है, रेंज ये रेंज है, रेंज के सारे एलिमेंट और कोडोमेन के एलिमेंट सब आ गए, रेंज यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गई। ओके, सो थर्ड वन अ फंक्शन पी टू आर, पी टू आर कौन सा फंक्शन, इंजेक्टिव, पी के वैल्यूज कौन से हैं, ए बी सी, एंड क्यू के वैल्यू कौन से, आर के वैल्यू से हैं पी क्यू आर एस। सपोज ये दिस वन, दिस वन, ठीक है, ये कौन सा हो गया फंक्शन, ये हो गया इनटू फंक्शन। एंड फोर्थ
फोर्थ कौन सा फंक्शन लिखना है, आंट, यानी आंट भी हो वन वन भी हो, बाइजेक्टिव हो, फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू टू पी, क्यू ये पी, क्यू के एलिमेंट्स कौन से हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंड पी के एलिमेंट्स कौन से हैं, ए बी सी, ए बी सी, सपोज ये इमेज है इसका, ये जेड का, सबके डिफरेंट इमेज हैं, और रेंज देखो बराबर कोडोमेन के, रेंज के एलिमेंट ए बी सी हो गए और कोडोमेन के भी सब हो गए, ठीक है। यहाँ रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है क्योंकि इसको कोई इमेज नहीं है, ठीक है। कोडोमेन में ये सारे एलिमेंट आ गए एस तक, मगर रेंज में ये एस शामिल नहीं है, ठीक है। ये फ़र्क है रेंज में और कोडोमेन में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, शेयर अमंग योर टीचर्स, सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट ऑफ माई कंट्रीब्यूशन, माई वर्क। मैं आपके लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ, ये मेहनत मेरी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक और ज़्यादा से ज़्यादा टीचर तक पहुँचनी चाहिए। थैंक यू।